हेलो फ्रेंड्स, परफेक्शन है इसमें आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा, यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्ज़ाम का 2020 का प्रवेश पत्र यानी कि एडमिट कार्ड जो है वो आ चुका है। तो फ्रेंड्स, इसकी अब पूरी संभावना है कि इस बार अभी अक्टूबर में यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कुछ नए नोटिफिकेशन के साथ इस बार का यूपीएससी का ये एडमिट कार्ड आया है, तो क्या क्या नए नोटिफिकेशन हैं उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि अभी पेंडेमिक का टाइम है। तो पेंडेमिक के टाइम में उम्मीदवारों के लिए कुछ नए इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, तो उन इंस्ट्रक्शंस को देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहला बोलता है कि उम्मीदवारों को कोविड-19 के मानदंडों का अनुपालन करते हुए परीक्षा हॉल के भीतर तथा परीक्षा स्थल परिसर में सामाजिक दूरी और निजी साफ सफाई का ध्यान रखना होगा। ठीक है, समझ रहे हैं? मतलब कि यहाँ पर बोलना ये चाह रहा है कि कोविड-19 का जो मानदंड है इसको आपको फॉलो करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि उम्मीदवारों को अपने इस्तेमाल के लिए पारदर्शी छोटे आकार की पारदर्शी होनी चाहिए और छोटे आकार की हैंड सैनिटाइजर आपको लेकर आना होगा। तो ये सारी कुछ नई बातें हैं जो कि पहले नहीं आपको इंस्ट्रक्शंस में होता था, तो आप इसको देख लीजिए, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ना। थर्ड बात यह है कि परीक्षा की प्रक्रिया से जुड़े प्राधिकारियों के लिए उम्मीदवारों को मास्क हटाना पड़ेगा, है ना। पहले ही ये बता दिया कि अब ये नहीं उस समय बोल सकते कि नहीं हम मास्क नहीं हटाएंगे अभी, तो ये चीज़ है ना। तो आपको मास्क हटाना पड़ेगा और सभी उम्मीदवारों के लिए मास्क या फेस कवर पहनना अनिवार्य है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि सभी उम्मीदवारों को मास्क या फेस कवर पहनना अनिवार्य है। ठीक है, और जिन उम्मीदवारों ने मास्क या फेस कवर नहीं पहना होगा उससे परीक्षा स्थल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ध्यान रखिए, जिन्होंने नहीं पहना होगा उसको परीक्षा स्थल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और जिन उम्मीदवारों के ई प्रवेश पत्र पर फोटो स्पष्ट नहीं है उन्हें परीक्षा में प्रवेश के लिए अपने साथ फोटो पहचान प्रमाण पत्र तथा पासपोर्ट आकार के दो फोटोग्राफ ले जाने होंगे। देखिए, ध्यान रखिएगा कि जिसके लिए फोटो स्पष्ट नहीं है बस उन्हीं को ले जाना है। तो फ्रेंड्स, ये था, और तो बाद बाकी सारी कुछ पुरानी बातें ही हैं। तो एक बार मेरा ये कहना है कि आप लोग इसको देख जरूर लीजिएगा, पढ़ जरूर लीजिएगा अच्छे से, एंड 4 अक्टूबर को अब एग्ज़ाम हो जाएगी, इसकी पूरी संभावना है। तो जो लोग अभी पेपर सॉल्व नहीं कर रहे हैं वो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्व कीजिए, मैक्सिमम पेपर सॉल्व कीजिए, और पहले तो जाकर आप लोग एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए और मैक्सिमम पेपर सॉल्व कीजिए। जो भी चीज़ें आपको लग रही हैं कि आपने रिवाइज़ नहीं किया है तो उसको रिवाइज़ कीजिए बहुत अच्छे तरीके से, और अच्छे से पढ़िए। मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि टेस्ट पेपर अभी का जो टाइम है, ये 1-1.5 महीने का जो टाइम अभी अपने पास बच रहा है, मतलब 1 महीने का टाइम ही मैं है अभी, तो ये जो 1 महीने का टाइम बच रहा है इसमें पूरा जान लगा दीजिए। मतलब जितना पेपर हो सकता है, जितना पेपर आपने सॉल्व किया है उसको सॉल्व कीजिए, उसको रिवाइज़ कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेपर बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्व कीजिए, रिवाइज़ कीजिए। अभी हो सके तो 14 घंटा भी आपको पढ़ना पड़े तो आप पढ़ सकते हैं 1 महीने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। और एकदम जी जान लगा दीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स जो है सबसे, ऐसा कई बार होता है कि कई सारे जो रैंक मटेरियल होते हैं, रैंक पाने वाले जो अभ्यर्थी होते हैं वो प्रीलिम्स में छट जाते हैं। तो बहुत अच्छे से पढ़िए, खूब पढ़िए, और आप सभी को ऑल दी बेस्ट। हमारी टीम परफेक्शन है इसकी ओर से, हमारे जितने भी हमारे यहाँ से भी जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं उन सभी अभ्यर्थियों को भी हमारी टीम की ओर से ऑल दी बेस्ट। बहुत अच्छे से पढ़िए, जितना ही पढ़ा है उसको रिवाइज़ कीजिए। 4 अक्टूबर आने वाला है तो एकदम लग जाना है, बहुत अच्छे से लग जाना है और तैयारी करना है। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, ऑल द बेस्ट।